अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 को। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग डिवाइस बनी हुई है इस टाइम पे। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे इन्फिनिक्स हॉट 10 की अनबॉक्सिंग हम कब करेंगे, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 को। ये मेरे पास जो वेरिएंट है ये 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। हालांकि इसको 3 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में। एक 4GB रोम में 64GB रोम का वेरिएंट है जो कि 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। एक 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है जो कि 23,000 रुपये की प्राइस में 23,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया है। और ये जो 6GB विद 128GB रोम का वेरिएंट है इसको 25,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है 25,000 रुपीज़ में। तो ये अच्छी बात है कि तीनों वेरिएंट्स हमें हर सेगमेंट में मिल रहे हैं हर प्राइस रेंज के अंदर। तो अपनी अपनी पसंद से अपनी अपनी रेंज के मुताबिक आप वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ वेरिएंट्स का फर्क है। मीडियाटेक हेलियो G70 की चिपसेट है, काफ़ी पावरफुल गेमिंग चिपसेट है और बहुत ज़बरदस्त कंपटीटर है टेक्नो स्पार्क 6 का जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो कंपैरिजन भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं अनबॉक्स करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 10 को। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स हॉट 10 की। और यहाँ पे मेंशन है हॉट 10 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। मीडियाटेक हेलियो G70 को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। टेकिंग गेम टू नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मेंशन है और बॉक्स सिंपल है। बैक साइड पे भी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है लेकिन हम इसको अनबॉक्स करने के बाद डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले रैपिंग उतारते हैं। सबसे ऊपर रखी हुई हमारी डिवाइस इन्फिनिक्स हॉट 10 अनलिमिटेड फन 128GB स्टोरेज। चार चीज़ें हाईलाइट की हैं, G70 6.78 इंच 5200mAh 16MP AI क्वाड कैमरा। और सबसे पहले स्टिकर उतार लेता हूँ। ये मेरे पास इसका मूनलाइट जेजेट कलर नाम रख दिया है इन्होंने और सिल्वर कलर है, खूबसूरत लग रहा है। डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। वाह, डिज़ाइन और कलर मुझे दोनों उसके अच्छे लग रहे हैं। डिवाइस ऑन कर लेते हैं। जब तक डिवाइस ऑन हो रही है मज़ीद कंटेंट देखते हैं हमें क्या मिल रहा है बॉक्स में। कुछ आईमेज स्टिकर्स हैं, उसके अलावा यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है। सिम इजेक्टर टूल है बैक साइड पे, यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं, उसके अलावा स्क्रीन प्रोटेक्टर है और सिलिकॉन केस है। ये बॉक्स खाली हो गया। मज़ीद देखते हैं तो एक चार्जर है और इसकी हम पावर देख लेते हैं। 5W 2A का चार्जर है यानी 10W यहाँ पे चार्जर मिल रहा है। तो यहाँ पे 10W का चार्जर हमें एक बॉक्स में मिल रहा है। इसके अलावा चार्जिंग केबल देख लेते हैं। चार्जिंग केबल भी यहाँ पे माइक्रो USB मिल रही है, टाइप सी नहीं है, माइक्रो USB यहाँ पे केबल मिल रही है। और इसके अलावा बॉक्स के एसेसरीज़ खाली हो गई बॉक्स, यही हमें एसेसरीज़ मिल रही हैं, हैंड फ्री यहाँ पे नहीं है। तो इन एसेसरीज़ को हम वापस रखते हैं और डिवाइस ऑन करके डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो डिवाइस यहाँ पर रेडी हो गई है, इन्फिनिक्स हॉट 10। डिवाइस काफ़ी खूबसूरत लग रही है और कलर भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं, उसके बाद डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड पर देखते हैं। राइट साइड पर वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं, पावर ऑन ऑफ की मिल रही है, अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पर कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पर यहाँ पर सिम ट्रे हमें मिल रही है, निकाल के देखते हैं स्लॉट। हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट है या डुअल सिम स्लॉट मिल रही है, हाइब्रिड स्लॉट तो नहीं मिल रही। तो यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट ही मिल रही है हमें, 2 नैनो सिम और 1 डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए, 3 कार्ड स्लॉट होगी। डाउन साइड पे देख लेते हैं। डाउन साइड पे स्पीकर मिल रहा है और चार्जिंग जैक मिल रहा है, माइक्रो USB ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5mm का। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है विद क्वाड LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हुई भी है। कलर काफ़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत प्यारी लग रही है डिवाइस, खूबसूरत बनाई है इन्फिनिक्स हॉट 10। फ्रंट साइड से भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, कलर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे स्मॉल होल पंच कैमरा मिल रहा है जिसको इन्फिनिक्स ने नाम दिया है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले नाम दिया है। स्मॉल होल पंच कैमरा है और डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे 6.78 इंच का है जिसके अंदर HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है यानी 720x1640 पिक्सल्स का। ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे फुल की हुई है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। IPS LCD लगाई गई है, 264 PPI की पिक्सल डेंसिटी हमें यहाँ पे मिलेगी।
83% इसकी इनटू बॉडी रेशियो है, बेजल्स ना होने के बराबर है, चिन यहाँ पे थोड़ी सी हमें मिल रही है, चिन का एरिया है थोड़ा सा यहाँ पे, और एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का है। जबकि बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड में आती है डिवाइस, यहाँ पे इन्फिनिक्स प्लास्टिक है, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्लास्टिक बिल्ड है, और फ्रंट साइड में प्रोडक्शन के लिए कौन सी यहाँ पे जनरेशन बताई नहीं गया, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की कौन सी जनरेशन है मेंशन नहीं किया गया है। जबकि कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, 2-3 कलर्स में आती है, अंबर रेड कलर है इसका, एक ब्लैक कलर है, एक मूनलाइट जेट कलर है, एक ओशियन वेव कलर है, तो इस टाइम पे मेरे पास कलर है ये और मूनलाइट जेट कलर है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है डिवाइस। और इसके अलावा कैमरास की बात करें यहाँ पे तो फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f1.8, और बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप होगा जिसमें मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल रहा है, और 14 कैमरा AI लेंस लगाया गया है जो कि लो लाइट सेंसर है और लो लाइट के अंदर फीचर्स को इम्प्रूव करता है। कि इस तरह यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश मिल रहा है जो कि क्वाड LED फ्लैश लगाए गए हैं, 4 LED फ्लैश मिल रहे हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे है। और जो इस डिवाइस की सबसे हाइलाइटेड चीज़ है जिसको बता हाईलाइट किया जा रहा है वो यहाँ पे MediaTek Helio G70 की चिपसेट है जो कि गेमिंग चिपसेट है जिसके अंदर हमें 2 GHz का ऑक्टाकोर CPU मिल रहा है, GPU है Mali G52 का, और रैम और रोम के वेरिएंट के बारे में आपको बताया था शुरू में कि 3 वेरिएंट्स में आई है डिवाइस, लेकिन मेरे पास इस टाइम 6 GB रैम विद 128 GB रोम का वेरिएंट है। इसके अलावा 3 कार्ड स्लॉट हमें मिल रही है, मेमोरी कार्ड के स्टोरेज को आप बढ़ा भी सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट है, 2 nano SIM में 1 memory card का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसके अलावा 5200 mAh की बैटरी मिल रही है, एक बड़ी बैटरी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी नहीं है और फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिल रही, तो बड़ी बैटरी आपको मिलेगी 5200 mAh की जिसके अंदर आप देर तक गेमिंग कर सकते हैं और देर तक मूवीज देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाली। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो डिवाइस आती है आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 पे, और यहाँ पे एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बेस करता है एंड्रॉइड पे, उसका वर्जन आपको 7 मिल रहा है, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स की तरफ से प्रोवाइड करता सिस्टम है, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 7 मिल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रही है डिवाइस। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया के बारे में कि फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे मिल रहा है यहाँ पे, और फेस अनलॉक की यहाँ पे फैसिलिटी भी मिलेगी फ्रंट कैमरा के थ्रू। तो ये है इन्फिनिक्स हॉट 10 की कुछ स्पेक्स, हाइलाइटेड स्पेक्स, बाकी डिटेल में हम इसको चेक करेंगे इसके रिव्यू में कि इसका कैमरा रिजल्ट कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, G70 की गेमिंग कैसी होगी, और इसके तमाम स्पेक्स डिस्प्ले वगैरह के चेक करेंगे, बैटरी चेक करेंगे, बैटरी टाइमिंग, बैटरी ड्रेन टेस्ट वगैरह कैसा है। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।